हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्लांट सेल का डिटेल स्ट्रक्चर हमने देखा अभी, और उसके अंदर हमने आपको बोला था सबसे पहले हम लोग सेल वॉल को देखेंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का होता है। और इसमें हमने आपको बोला था जो इसका डिफिनीशन, इसका फंक्शन मतलब जो कार्ज है, और इसका केमिकल कंपोजिशन जिससे हमको क्वेश्चन आता है, सारे चीज दोस्त हम देखेंगे। तो अभी आप इसका क्या है ये सेल वॉल सो देखिए, यह जो है सो इट इज द डेड बाउंड्री लेयर ऑफ प्लांट सेल। मतलब अगर हिंदी में कहे जो यह जो है सो मृत, डेड मतलब क्या होता है दोस्त, मृत बाउंड्री आप जानबे करते हैं, हर आदमी जो है सो बाउंड्री वाल देता है, बाउंड्री लेयर ऑफ प्लांट सेल पादप कोशिका। मतलब क्या होगा अगर इसका हिंदी बोले तो क्या हो जाएगा, ये पादप कोशिका का जो है सो बाहरी मृत दीवाल है, ये बाहरी मृत दीवाल है। शायद दोस्त आप हिंदी लिख पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, कहिएगा तो हम लिख सकते हैं। ये क्या है, मृत आपका बाउंड्री लेयर है, एक दीवाल है, दीवाल मृत दीवाल पादप कोशिका का है, मृत दीवाल पादप कोशिका का है। दूसरा बात, हमने इसका कार्ज लिखा है दोस्त, फंक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फंक्शन कार्ज लिखा है। तो कार्ज में अब देखिए इसका क्या काम है, तो पहला तो काम है जो प्रोवाइड डिफिनिट शेप और साइज, डिफिनिट शेप और साइज। आपने सुना होगा जो प्लांट का सेल जो होता है वो डिफिनिट शेप और साइज वाला होता है, क्योंकि हमने आपको दिखाया था जो हेक्सागोनल शेप का जो है सो प्लांट का जो है सो आपका सेल होता है, दिखाया था ना। तो लगभग में इसी ढंग का जो है सो सेल आपको प्लांट में हर जगह मिलेगा। लेकिन जैसा ही दोस्त हम जंतु कोशिका या और कोशिका की तरफ जाएंगे तो उसका शेप जो है सो अलग अलग जगह अलग अलग तरह का होता है। ये शेप और साइज जो होता है सेल का, कोशिका का, ये हम ये भी बताएंगे आपको। फिलहाल इसको हम थोड़ा सा जो तीन को कैरेक्टर आपको बताया है प्लांट सेल का, उसको कंटिन्यू करके उसको फिनिश करते हैं, फिर हम लोग जो है सो शेप साइज पर भी जाएंगे और भी आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया जो ये क्या करता है, डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप और साइज देता है, शेप साइज आकार और आकृति, आकार 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 और आकृति, आकार आकार हो गया साइज का दोस्तों, आकार साइज का क्या हो जाता है, आकार और आकृति, आकृति देता है ना। डिफिनिट मतलब निश्चित, डिफिनिट मतलब क्या हुआ, निश्चित। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, प्रोवाइड मतलब देना बनाना जो भी है बनाता है, निश्चित आकृति और आकार है ना प्लांट सेल का प्रोवाइड करता है। तो और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन सुरक्षा, सुरक्षा सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो देखा जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है मेन दो काम को करता है, पहला जो है उसका सेफ साइज को जो है सो एक निश्चित सेफ साइज देता है, दूसरा सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा और भी काम है इसका जो आगे हम लोग यहाँ पर जब देखेंगे प्लांट का कुछ फिजियोलॉजी और देखेंगे तो देखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है परमेबल मेम्ब्रेन होता है, पारगम्य झिल्ली होता है, तो परमेबल होता है, परमेबल परमेबल परमिएबल 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 होता है। परमिएबल का मतलब वह पारगम्य, पारगम्य, पारगम का मतलब हुआ, परमिएबल का मतलब दोस्त ये किसी भी चीज को जो है सो आसानी से जाने आने देगा।
जैसे प्लांट कोशिका है, तो प्लांट कोशिका में हम लोग सारे कैरेक्टर को पढ़ेंगे एक एक चीज को। तो जैसे सेल वॉल पढ़ रहे हैं, तो सेल वॉल जो है सो परमेबल होता है। परमेबल का मतलब हुआ पारगम, पारगम का मतलब यहाँ पर यह हुआ जो जैसे कोई भी लिक्विड है पानी के साथ अगर कोई भी चीज घुल के जा रहा है तो उसको जाने देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोशिका, ये तो आपका भित्ति हो गया, झिल्ली पे जाएंगे सेल मेम्ब्रेन पर, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा दोस्तों, वो सब को जाने नहीं देगा। तो वहां पर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। तो एक यहाँ पर ये भी प्रॉपर्टी है जो कि एक्स्ट्रा था, हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसका, देखिए अलग अलग केमिस्ट्री इसका होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कि अभी जस्ट हमने आपको बताया था जो प्लांट में कोई भी प्लांट जो ग्रीन है और कोई प्लांट ऐसा है जो नॉन ग्रीन है, क्योंकि ये तो दुनिया का जो भी प्लांट होगा सब में पाया जाएगा दोस्त, चाहे वो ग्रीन हो या नॉन ग्रीन हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल केमिकल कंपोजिशन का, कंपोजिशन का। तो केमिकल कंपोजिशन का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, आपने दोस्त अल्गी जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं, अल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म, ये हायर प्लांट होता है दोस्त। एंजियोस्पर्म क्या होता है? हायर प्लांट होता है। तो एल्गी शैवाल से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, एंजियोस्पर्म का हिंदी एंजियोस्पर्म ही होता है, मतलब ऐसा पौधा जिसके बीज का कवर हो, आगे पढ़ेंगे जी, बीज का कवर हो, ठीक है ना। जैसे फ्रूट जो बन जाता है, एक होता है नेकेड बीज जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये समझिए जैसे हायर प्लांट जो भी है, जैसे बरगद का पेड़ से लेकर के जो भी बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं, लगभग वो सब हायर प्लांट में आता है और इसका प्रॉपर्टी अलग होता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे एंजियोस्पर्म में मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन, ये सारा चीज आगे हम लोग देखते जाएंगे। जब हम लोग प्लांट का डाइवर्सिटी देखेंगे तब वहां पर जो है सो हम देखेंगे जो प्लांट का डाइवर्सिटी में प्लांट का जो कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे प्लांट डेवलप किया, सबसे पहले कौन प्लांट बना, है ना। इसके बाद धीरे 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 जो है सो कैसे आगे बढ़ते गया, सारा चीज हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये देखिए जो अल्गी से लेकर के और एंजियोस्पर्म तक जो है सो आपका जो इसका सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेलुलोज का, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है दोस्त? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का आपने नाम सुना होगा, इसे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कैसे क्या बनता है। तो ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। इतना तक क्लियर हो गया? किसमें? अल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ठीक है। मतलब मोटा मोटी ये रखना है, जो भी ग्रीन प्लांट है, जो भी हरे पौधा है, उसका सेल वॉल, उसका जो कोशिका भित्ति होगा वो किससे बना हुआ होगा? सेलुलोज का। याद हो गया होगा कि किससे बना हुआ होगा? सेलुलोज का बना हुआ होता है। अब चलिए आगे, अब देखिए दोस्त, आपने नाम सुना होगा फंजाई, जिसको हिंदी में हम लोग कवक कहते हैं, कवक। आपने मशरूम खाया होगा, मशरूम गांव में तो गोबर पे भी ग्रो कर जाता है, गोबर छत्ता भी गांव के लोग बोलते हैं। तो ये जो फंजाई है दोस्त, ये नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या है? ये नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन प्लांट है,
तो ये जो नॉन ग्रीन प्लांट है, जो हरा नहीं होता है, इसका जो सेल वाल बना हुआ होगा, इसका जो सेल वाल होगा आपका बना हुआ, इसका सेल वाल जो होगा, इसका जो सेल वाल होगा दोस्त, ये काइटिन का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? काइटिन का, काइटिन, काइटिन, ठीक है, काइटिन का बना हुआ होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ इसमें प्रोटीन भी मिल जाता है, ठीक है, काइटिन में। और इसलिए आप जब मशरूम खाते हैं तो आपको एक अलग तरह का फ्लेवर, एक अलग तरह का टेस्ट जो है, सो नॉन वेज की तरह, मटन की तरह मिलेगा। और जलाने पर जो भी उसका जो रहता है गंध, वो जैसे बाल आप जलाइएगा या नाखून जलाइएगा, तो एक प्रोटीन जो जलता है, केरोटीन प्रोटीन, जैसे नाखून वगैरह में रहता है, बाल वगैरह में रहता है, पटपटाहट की आवाज और एक विशिष्ट जो है स्मेल मिलता है। उसी ढंग से अगर मान लीजिए आप मशरूम लाए हैं और जल गया, तो एक अलग तरह का आपको जो है सुगंध देगा। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्टिव का बनता है, जो फंजाई में जो सेल वाल होता है दोस्त, क्या होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? काइटिन का। क्लियर हो गया? और फंजाई क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है। फंजाई क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट है। अब चलिए दोस्त, इतना देखने के बाद हमने देखा था पिछले वीडियो में बैक्टीरिया, थोड़ा सा प्रोकैरियोट जो बताया था, तो उसमें हम बताया था आपको बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया में जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सोचिए, ये क्या है? जीवाणु है। हिंदी में इसको जीवाणु बोलते हैं। बहुत सारे बीमारी कॉज करता है भाई, बहुत सारे बीमारी का कारक है, और लेकिन ये फायदा भी देता है। ऐसा नहीं है बैक्टीरिया ही ऐसा चीज है जो दोस्त और दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि वायरस की तरह सब दुश्मने हैं, है ना? वायरस तो कंप्लीट राक्षस है, दुश्मन है। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और अभी पूरे दुनिया जो है उतराई तराई कर रहा है वायरस से, कोरोना वायरस से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए आपको, ये जो बैक्टीरिया है इसका जो सेल वॉल बनेगा, सेल वॉल बनेगा, ये पेप्टाइड, पेप्टाइडो ग्लाइकेन होता है। क्या होता है दोस्त? पेप्टाइडो ग्लाइकेन से। और इसका एक दूसरा नाम भी है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन का दूसरा नाम भी है म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन। तो पेप्टाइड जब ये आ जाता है ना दोस्त, तब ये समझिए प्रोटीन का एक बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब इसमें भी प्रोटीन एक अलग तरह का, और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों से मिलने से बनता है। और इसका एक कॉमन नाम भी म्यूरिन होता है। क्या होता है? म्यूरिन। तो याद हुआ, बैक्टीरिया जीवाणु का जो कोशिका भित्ति बना हुआ होता है, सेल वॉल बना हुआ होता है, वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना हुआ होता है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? म्यूरिन भी है। क्या है? म्यूरिन भी है। पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइडो ग्लाइकेन, पेप्टाइड, पेप्टाइड डो ग्लाइकेन बोल रहे भैया, समझ में आ जाता होगा। पेप्टाइडो ग्लाइकेन आप लिख सकते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकेन। और ये क्या हो गया, क्योंकि इसका हिंदी भी वही होता है, हिंदी अलग रहता तो हम लिख देते, जैसे बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है, तो लिख दिए म्यूरिन, मी मी यू रिन, म्यूरिन, म्यूरिन, म्यू म्यूरिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने पूरा जो है सो सेल वाल के बारे में देख लिया। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं सेल वाल को। सेल वाल को हमने देखा दिया जो है सो बाहरी कवच है, बाहरी लेयर है, परत है, दीवार है, किसका? पादप कोशिका का।
और ये क्या 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 प्रोवाइड करता है, सेफ और साइज प्रोवाइड करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। आपने देखा होगा कोई भी पौधा, दुनिया का कोई भी पौधा होता है, आंधी तूफान बारिश या किसी भी ढंग का परिस्थिति हो, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, कभी देखा है आपने कोई पौधा जो है सुभाग करके आंधी आया तूफान आया बारिश आया किसी घर में घुस जाता है? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं घुस पाता है और क्या है ना इसकी जरूरत पड़ती है, इसको शुरू से इसमें कैसा अनुकूलता आई है, एडेप्टेशन आया है? तो दोस्तों इसका जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, ये काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है, इसको पूर्ण रूप से सुरक्षा देता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग इसके बाद इसका एग्जांपल में हमने देखा था जो जैसे अल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक जो है सो आपको सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसके बाद हमने देखा था जो फंजाय जो इसको कवक कहते हैं, इसमें जो है सो आपको काइटिन का बना हुआ था। इसके बाद हमने देखा बैक्टीरिया का, है ना, अभी जस्ट देखा है जो बैक्टीरिया का हमने देखा, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बना हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्त प्लास्टिड। ठीक है, चूंकि देखिए यह पुलर जो बनाने का मतलब ये हुआ, बहुत सारा प्लास्टिड होता है एक सेल में। ठीक है, जहां पर समझिए पुलर हम बना दिए लवक, वहां समझिए बहुत सारा चीज होगा। ठीक है ना, मतलब बहुत सारा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहां देखिए आप इसमें प्लास्टिड में हम लोग देखेंगे लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इसको बारी बारी से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मेन जो प्लास्टिड का हो गया वो क्या हो गया, आपको तीन हेडिंग से जाना पड़ेगा, लिगोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम लोग जो है तो लिगोप्लास्ट को देखते हैं, लिगोप्लास्ट को देखते हैं ये क्या है लिगोप्लास्ट। और ये आपको ये भी पता है जो सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, नहीं प्लांट सेल में मिलता है। लिगोप्लास्ट, देखिए लिगोप्लास्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, लिगो का मतलब है होता है व्हाइट, नहीं मतलब इसमें कलर नहीं होगा, और वर्णीय, और अभी जानते किए थे हम लोग प्लास्टिक को क्या बोले थे, लवक, है ना, अवर्णीय लवक हो गया, मतलब इसमें कलर नाम की कोई चीज नहीं होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बनता है, इसको गौर कीजिए। जैसे कि ए भी आपको तीन तरह का होगा, ए भी दोस्त तीन तरह का आ जाता है, एमाइलो प्लास्ट, इसके बाद एलियो प्लास्ट, और जो लास्ट आएगा एलियो, ई है ई, एलियोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, है ना, एलियोप्लास्ट और एलियोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है, एमाइलो का जो मतलब होता है दोस्त, एमाइलो का मतलब होता है स्टार्च, एमाइलो का मतलब क्या होता है स्टार्च, एमाइलो का मतलब क्या हुआ स्टार्च।
तो इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, स्टार्च। मतलब ये स्टार्च, स्टार्च को हिंदी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, मंड। हाँ, मंड, मंड होता है हिंदी, मंड होता है। तो आप देखिए यहां पर स्टार्च जहां भी एमाइलोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, स्टोर करेगा स्टार्च को, नहीं स्टार्च को क्या करता है, जमा करता है, स्टोर करता है, स्टोर, स्टोर स्टार्च, जमा करता है किसको, मंड को जमा करता है, स्टोर करता है। तो देख रहे हैं इसका पार्टिकुलर जो है सो लिकोप्लास्ट का फंक्शन है, नहीं स्टोर का मतलब एमाइलोप्लास्ट इसका टाइप हो जाएगा और इसमें जो है सो स्टार्च जमा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आपको एलियो का मतलब होता है फैट्स दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्च ना, इसका मतलब हुआ स्टार्च। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है। और यहां पर एलियोप्लास्ट का मतलब, एलियो का मतलब है होता है फैट्स, एलियो का मतलब क्या होता है, फैट्स, फैट्स मतलब वसा, फैट मतलब वसा। तो ये क्या करेगा, वसा को सिंचित करेगा, नहीं वसा को सिंचित करेगा। तो ये फैट्स स्टोर क्या करता है, फैट्स को स्टोर, फैट्स, फैट्स मतलब वसा। तो कहां पर ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा कहां पर आपका, जितना भी ऑयल सीड होगा उसमें जो आपको लिकोप्लास्ट का जो टाइप है एलियोप्लास्ट, उसमें जो है सो तेल वाले जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो सूरजमुखी हो, या जो भी तेल जिससे बनता है, उसमें जो ये जो एलियोप्लास्ट होगा वो क्या स्टोर करेगा, तेल को स्टोर करेगा। मतलब अपने जो है सो स्ट्रक्चर के अंदर क्या रखेगा, वो स्टोर करेगा फैट को स्टोर करेगा। और ये जो भी स्टार है, जो भी स्टार्च है, जितना भी आप देख रहे हैं, जैसे कि आलू हो गया, इसमें देखिएगा तो यहां लिख लीजिए आलू, आलू, आलू हो गया, इसके बाद गेहूं हो गया, जो भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट वाला है उसमें जो है सो आपको जो है सो एमाइलोप्लास्ट जो है सो स्टोर करता है अपने अंदर किस चीज को, स्टार्च को। और यहां पर एलियोप्लास्ट जो है सो स्टोर करता है ऑयल को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एलियो, एलियोरो, सॉरी एलियोरोप्लास्ट, क्या है एलियोरोप्लास्ट। ये जो है आपका प्रोटीन कहलाता है, एलियोरो का मतलब ये होता है प्रोटीन, क्या होता है यहां भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है दोस्त, प्रोटीन होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को स्टोर करेगा तो क्या लिखेंगे, स्टोर, स्टोर प्रोटीन, स्टोर प्रोटीन, प्रोटीन का हिंदी प्रोटीन ही होता है। और कहां कहां होगा ये, तो जहां भी प्रोटीन है वहां पर होगा, नहीं जहां भी प्रोटीन है वहां पर आपका होगा, जहां भी प्रोटीन है वहां होगा। तो प्रोटीन कहां कहां है, तो जो भी दाल है, जो भी चीज है उसके जो सेल होगा, क्योंकि सब कुछ सेल से ही बनता है दोस्त, और सेल के अंदर जो ये प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक के अंदर जो है सो लिकोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट का भी टैप दे दिया, और टैप देने के बाद आप देख रहे हैं जो लिकोप्लास्ट में अलग अलग तरह का प्लास्टिक होता है, एमाइलोप्लास्ट होता है, एलियोरोप्लास्ट होता है, एलियोरोप्लास्ट होता है, एलियोप्लास्ट है, एलियोरोप्लास्ट है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, यहाँ पर ई से शुरू होता है, यहाँ पर ए से शुरू होता है, एलियोरोप्लास्ट, एलियोरोप्लास्ट है ना। तो ये जो है सो एमाइलो का मतलब ये होता है स्टार्च, जो स्टार्च को क्या करेगा, स्टोर करेगा। और आपका आलू हो गया, गेहूं हो गया, इसमें जो है सो रहेगा स्टार्च का, हिंदी भी आपको बता दिया जो मंड होता है। इसके बाद एलियोप्लास्ट में आपको स्टोर करेगा फैट्स को, और इसमें जितना भी आपको ऑयल सीड है सब में रहता है, मतलब जो स्टोर करता है वहीं पर ये स्टोर करता है। सेल के अंदर आपने देखा जो हमने प्लास्टिक बनाया तो उसी जगह में अपना स्टोर करके रखता है। और जब आप मशीन से तेल वगैरह निकलवाते हो, तेल निकालने वाले मशीन से, दूध से निकल जाता है अपना। इसके बाद जो है एलियोरोप्लास्ट है, तो ये प्रोटीन स्टोर करता है।
तो जितने भी प्रोटीन जहां भी मिलता है वो सारा जगह जो है सो एरियोप्लास्ट में जो है सो प्रोटीन स्टोर रहता है। तो ये उसका अपना एक देखिए सब सेल का जितना भी आप ऑर्गेनेल्स देखे हैं सबका कोई ना कोई एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है और उसी फंक्शन से अपना जो है सो काम करता है और उसी फंक्शन की वजह से उसका एग्जिस्टेंस है। नहीं तो चलिए हमने आप प्लास्टिड को फर्स्ट जो है सो ए वाले को क्लियर किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्रोमोप्लास्ट, है ना दोस्त। क्रोमोप्लास्ट को आपको बताए किए थे ये क्या हो जाएगा, वर्णी लवक हो जाएगा, मतलब एक कलर है, क्योंकि क्रोमो का मतलब ये होता है कलर, क्या होता है कलर, इसका मतलब ये होता है कलर रंग। तो ऐसा प्लास्टिड जो कलर हमें दे, क्या दे, कलर दे। तो यहां देखिए आपने सुना होगा, आपने सुना होगा गाजर का कलर सुना है और टमाटर का कलर, तो लाइकोपीन जो है सो लाइकोपीन के वजह से टमाटर का कलर कैसा होता है, रेड होता है, टमाटर का कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है, किसके वजह से, लाइकोपीन के वजह से। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, टमाटर टोमेटो होगा ना दोस्त। इसके बाद इसमें और बढ़िएगा तो आपने गाजर खाया होगा, केरोटीन, इसका उदाहरण आपका हो जाएगा गाजर, ठीक है गाजर। इसके बाद कलर ऑफ फ्लावर्स, फूलों का रंग। तो जितना भी फूल का रंग होता है दोस्त वो किसके वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है, किसके वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है, ठीक है। तो जब फूल में कलर रहता है तो इंसेक्ट जो है कोई भी कीड़ा उस पर जाकर के बैठता है, और कीड़ा बैठने का दो वजह होता है दोस्त, या तो वो फूल खूबसूरत है या नहीं तो उस फूल में कोई न कोई ऐसा नेक्टर है जिससे उसका खाना, मतलब जैसे कि हनी निकलता है तो जैसे मधुमक्खी उस फूल पे जाता है जहां हनी होता है, या फिर ऐसा पौधा जिसमें बहुत अच्छा सुगंध हो। तो इस हिसाब से अगर जो हम यहाँ देख रहे हैं कलर ऑफ फ्लावर, तो यहाँ जो इंसेक्ट जाएगा तो तो क्या हो जाएगा, एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगा। और आप आगे पढ़े भी होइएगा और हम पढ़ाएंगे भी, जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, पादप का जनन पढ़ाएंगे, तो वहां आपको एक टर्म बताएंगे पोलिनेशन, परागकण। तो पोलिनेशन जो होता है उसमें भी मदद करता है कौन आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो एक आपको आ जाएगा जो कौन ऐसा प्लास्टिड है जो पोलिनेशन में हेल्प करता है, तो क्या हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, हेल्प्स इन पोलिनेशन, परागण, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परागण, है ना परागण, जिसके वजह से फिर उस पार्टिकुलर पौधा में जो है सो सीड बनता है ना, बीज बनता है। ये सब सारे चीज पढ़ेंगे, अभी उधर नहीं जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानते हैं ये क्या है,
वर्णी लवक है, लवक है और ये कलर, चूंकि क्लोरो का मतलब ये होता है कलर, और ये हमें जो है सो जैसे टमाटर का कलर हो गया, ये टमाटर का कलर आप देखते हैं धीरे धीरे, या मिर्च का कलर जो है सो पहले हरा होता है फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते वो लाल हो जाता है। तो लाल जो होता है दोस्तों इसके पीछे रीजन है, ठीक है, वो क्या है हम बता रहे हैं। देखिए कोई भी जो है, इतना तक क्लियर हो गया, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है सो देखिए, हर पौधा में तीनों तरह का प्लास्टिड हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको नीचे वाला जल है या नॉन ग्रीन भाग है तो वहां पर क्या होगा। हाँ दोस्तों एक चीज और रिमाइंड करते हैं, सॉरी, जैसे कि हमने लिकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था आपको, है ना, अभी जस्ट हमने इसको देखा था लिकोप्लास्ट में। तो लिकोप्लास्ट में एक चीज रिमाइंड कर लीजिएगा, जो ये जो होगा लिकोप्लास्ट जो जहां भी होगा, ये लिकोप्लास्ट में ज्यादातर जो लिकोप्लास्ट जहां होगा वहां कहां होगा, तो रूट्स में होगा। क्या होगा? रूट्स में होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिमाइंड अप कर लीजिएगा, रूट्स में होगा। और जो पोर्शन प्लांट का नॉन ग्रीन होगा, जो पोर्शन प्लांट का नॉन ग्रीन होगा, क्या होगा? नॉन ग्रीन पोर्शन होगा। जैसे कि हमने आलू में भी लिकोप्लास्ट स्टार्च जो है सो स्टोर करता है, स्टार्च जो है सो आलू में, पोटैटो में जो है सो स्टोर करता है, पोटैटोज में स्टोर करता है, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो क्या है, स्टेम है ना, स्टेम का रूपांतरित भाग है, तना का रूपांतरित भाग है, और वो कहां रहता है, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर होने के वजह से लिकोप्लास्ट वहां पर ज्यादा रहता है, रेस्टोर करता है कौन सी, स्टार्च या जो भी जड़ है वहां पर जो है सो लिकोप्लास्ट रहता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे थे चेंजेस के लिए तो याद आ गया, इसलिए आपको बता दिए, ठीक है। हम चाह रहे हैं जो एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, बायोलॉजी का ऐसा कंसेप्ट बने तो जीवन में फिर कभी बायोलॉजी किसी दूसरे चैनल पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इसका ऑब्जेक्टिव सेट भी हम डालेंगे जिससे मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो यहां हमने बताया था आपको, जैसे देखिए आपका एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, टोमैटो या चिली भी ले सकते हैं आप, टोमैटो ले लीजिए या चिली ले लीजिए, चिली नहीं, टमाटर या मिर्च, है ना, इसका चेंजेस देखिए। तो एक ऐसा कलर होता है दोस्त, अभी ये कैसा है, ये आपका ग्रीन है ना शुरू में, लेकिन जब इसमें टेम्परेचर पड़ेगा और समय बीतेगा, टेम्परेचर और समय बीतेगा, टेम्परेचर और टाइम यहां पर होगा, टाइम का मतलब क्या हुआ, जब ये पकने लगेगा, रैपेंट हो जाएगा, टाइम का मतलब हुआ रैपेंट होना, रैपेनिंग मतलब पकना, रैपेनिंग का मतलब क्या होता है, पकना या मेच्योर हो जाना, जो बुझी आप। तो टाइम के साथ जो है सो टेम्परेचर ये सब पड़ता है, और पड़ने के बाद वो क्या होता है, रैपेनिंग की तरफ जाता है। तो देखिएगा ये टमाटर और ये चिली जो आपका ग्रीन था वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, यहां देखिए सब प्लास्टिक इसमें भी रहता है लेकिन कोई कम कोई ज्यादा। तो शुरू में जो दिखता है आपको ग्रीन, ये जो ग्रीन दिखता है किसके वजह से दिखता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अब बाद में चल के जो रेड हो जाता है चेंज होकर के, किसके वजह से हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, किसके वजह से हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लियर हो गया। तो हमने देखा जो टमाटर का कलर या मिर्च का कलर समय के साथ जब पकने लगता है वो तो रेड हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट शुरू में दिखता है और धूप पड़ने के बाद वो क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे अपने केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके क्या बन जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो चेंज हो गया है, क्या हो गया है, चेंज हो गया समय के साथ। देखिए दोस्त ये मोलिकुलर फार्मूला थोड़ा सा चेंज के वजह से
कुछ से कुछ हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होने की वजह से कोई कलर आप देखते हैं, बहुत खूबसूरत दुनिया है ये बायोलॉजी का, आप पढ़िएगा बहुत मजा आएगा आपको, बस आप गौर कीजिए और जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं फिर रिलेटेड बुक से एक बार आप पलट लीजिए इसको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है और हम आगे और इससे अच्छा वीडियो बना के आपको सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे। और एक ह्यूमन एरर हो सकता है कभी कभार मिस्टेक, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या रिफिर हम देखेंगे, चेक करेंगे अपने वीडियो को तो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो एक ह्यूमन एरर हो सकता है कभी मिस्टेक, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूं जो परफेक्ट आप लोगों को दूं, ठीक है। तो इतना तक क्लियर हो गया। तो आपने देखा जो क्लोरोप्लास्ट जब चेंज होकर के क्या बनता है, क्रोमोप्लास्ट, एक कलर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसके वजह से आप जानते हैं जो किसी भी पौधा का कलर क्या होता है, हरा होता है, और वो किसके वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट। हम प्लास्टिक के अंदर देखें, अभी हम जस्ट ये देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं हम, तो देखेंगे तो इसमें कोई न कोई चेंज आता होगा, कोई न कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आता होगा। चेंज आने के बाद आप देखते हैं धीरे धीरे उसका कलर जो है सो रेड की तरफ चल जाता है और पक जाता है, रैपिड हो जाता है, ये सब चेंजेस होते रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे फ्लावर का कलर एक अलग अलग तरह का होता है, बहुत खूबसूरत होता है। ये सारे कुछ जो होता है ना सर, ये आपको क्लियर होगा जब आप देखिएगा, जब हम लोग डीएनए पढ़ाएंगे, जीन पढ़ाएंगे, देखिएगा सब कंट्रोल करता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपका सोच आपके भाई से अलग होगा, आपके घर वाले से अलग होगा, यहाँ तक कि जो बच्चा ट्विंस होता है, जुड़वा होता है, उस दोनों में भी डिफ्रेंशिएट होता है। और ये सारे चीज जो है आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसको क्लियर करेंगे। चलिए आगे हम लोग लास्ट जो है इसका वो डील करने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं दोस्त इसको। इसका डायग्राम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी यहां देख लेते हैं। देखिए जो भी प्लास्टिड होता है, अब देखिए जो भी प्लास्टिड हम पढ़े, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पढ़े हम लोग है, सब दो लेयर का बना होता है, दोहरी परत का बना हुआ होता है, ठीक है। इसको आप गौर कीजिएगा, क्योंकि एक ठो डायग्राम में हम क्लियर कर लेंगे, 10 को डायग्राम बनाना टाइम का किलिंग है। इसके बाद दोस्त देखिए इसी के अंदर बहुत कुछ होता है और ये हमको बहुत कंसेप्ट देगा बायोलॉजी में, सारे कुछ सारा दुनिया इसी पर टिका हुआ है। देखिए ये आपको स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, और ये आपका थायलेकोइड मेम्ब्रेन कहलाता है, थायलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, झिल्ली कहते हैं इसको, नाम है थायलेकोइड, थायलेकोइड झिल्ली इसको कहते हैं, थायलेकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये भी थायलेकोइड है, ये भी है, ये भी है, सारा का सारा थायलेकोइड है, ये सब थायलेकोइड है, ये जो अभी जोड़े हुए हैं ये भी थायलेकोइड है, ये और ये सब भी थायलेकोइड है, ये सब भी थायलेकोइड है, ठीक है। और ये जो ग्रुप में आ जाता है दोस्त, तो इसको हम लोग जैसे एक ग्रुप हो गया, इसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेनम नाम दिया गया है बायोलॉजी में, ठीक है, ग्रेनम दिया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ थायलेकोइड इज कॉल्ड ग्रेनम। अब बहुत सारा ग्रेनम है इसलिए इसको प्लूरल में क्या बोलेंगे दोस्त, ग्रेना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो खैर इतना हम लोगों ने देखना, मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं हम लोग, जनरल कंपटीशन के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा आईएएस तक का वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है
सो आपको इसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं, एस्ट्रोमा। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, याद हुआ। अब देखिए मेम्ब्रेन पार्ट में क्या हो गया, थायलेकोइड मेम्ब्रेन हो गया, जो बहुत सारा थायलेकोइड मेम्ब्रेन जब एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेनम कहलाएगा, और ये ग्रेनम बहुत सारा हो जाएगा। अभी हम तीन ठो दिखाए, हजारों होता है दोस्त, उतना दिखाना संभव नहीं है, तो इसको ग्रेना कहेंगे। और इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होगा, पानी वाला पार्ट होगा, उसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोमा कहेंगे। और एस्ट्रोमा के अंदर ही हमारा इस क्लोरोप्लास्ट में दोस्त आपका डीएनए होता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, ये आरएनए भी दूसरे कलर से बना देते हैं, ये आरएनए होता है, ठीक है। और सबसे जो अच्छी चीज अभी बताने जा रहे हैं वो होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जिसको आप कहते हैं, राइबोसोम्स। और ये 70S का होता है, 70S टाइप होता है राइबोसोम्स। तो आपने देखा प्लास्टिड का ये जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं थायलेकोइड मेम्ब्रेन, और इसी थायलेकोइड मेम्ब्रेन के, इतना तक क्लियर हो गया दोस्त। अब हमको थोड़ा सा मिटाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप पॉज करके वीडियो को अपना देख लीजिएगा। डायग्राम अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हम थोड़ा मिस्टेक कर गए थे, अब हम हर में स्क्रीनशॉट के लिए आपको कुछ टाइम दे देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर, ये जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन है आपका, ये थायलेकोइड मेम्ब्रेन में ही क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल इसी मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। मतलब यहां चलिए हम लिख देते हैं, तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट आपको इसी में पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का केमिकल कंपोजिशन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए कौन कितना रहता है, तो कार्बन आपका 55 रहेगा, कार्बन कितना रहेगा 55, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा 72, ऑक्सीजन बेचारे 5 ठो, और नाइट्रोजन इससे भी कम एक 4 गो, और मैग्नीशियम अकेले रहता है। लेकिन है क्या, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपको कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में भी, जो ये जो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है, सो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है कि नहीं, या मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, उसमें दे देगा बहुत सारे नाम दे देगा, जैसे क्लोरोफिल दे देगा, केरोटीन दे देगा, जेंटोफिल, बहुत सारा चीज दे देगा। तो आप गौर कीजिएगा, जो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्लोरोफिल का है। जनरली क्लोरोफिल बहुत तरह का होता है, तो मोटा मोटी क्लोरोफिल ए का होता है, और यही क्लोरोफिल जो है दोस्त लाइट को क्या करता है, पकड़ता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग एक क्लोरोफिल, ठीक है, और पकड़ करके जो है सो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करता है। क्योंकि लाइट का जो एनर्जी होता है उसको पकड़ने का काम सिर्फ जो है सो क्लोरोफिल और केरोटीन वगैरह भी करता है, लेकिन क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसको डिटेल देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो वहां डिटेल देखेंगे हम लोग। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जो
क्लोरोफिल में काय गो मैग्नीशियम होता है, तो एक ठो होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, तो चार गो, ऑक्सीजन पांच गो, हाइड्रोजन 72 मतलब 72 गो, और कार्बन कितना होता है 55 गो। तो ये आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए दोस्त, इसी में क्या होता है, इसी बताते हो, हमको प्रकाश संश्लेषण में बताना था, यहीं पर फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया पूरा होता है। तो आपने देखा जो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है कहाँ रहता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे रहता है। कहाँ रहता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे रहता है एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप देख रहे हैं। थैलेकोइड मेम्ब्रेन कहाँ रहता है, सॉरी क्लोरोफिल कहाँ रहता है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पर हर जगह रहेगा, हर जगह रहेगा, ठीक है ना, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पर। और फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण का पहला प्रोसेस यहीं पर शुरू होता है, और यहाँ पर एस्ट्रोमा में जाकर के, इसको लिक्विड पार्ट को बोले थे ना, मिटा दिए हम, एस्ट्रोमा में जाके खत्म होता है और ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलिए दोस्त, अब आपका जो प्लांट का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने बताया था, उसको हमने डिटेल देख लिया, और इसका फंक्शन में आप क्या लिखिएगा, इसका फंक्शन में आपको क्या होगा, इसके वजह से प्लांट का कलर कैसा होता है, लिखिए, इसके वजह से प्लांट का कलर कैसा होता है, हरा होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो मेन इसका काम क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण कराना, फोटोसिंथेसिस कराना। तो एक सेकेंड हम फोटोसिंथेसिस देख ही लेते हैं, वैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहां पर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, सिक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल H2O प्रेजेंस ऑफ सोलर इनर्जी सन जिसको आप कहते हैं, सोलर इनर्जी और क्लोरोफिल दोस्त, अभी जस्ट पढ़े हम लोग क्लोरोफिल, ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस सिक्स मॉलिक्यूल H2O प्लस, अब यहां बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए तब क्लियर होगा, यहां बैलेंस करते हैं, यहां क्या है, छह गो कार्बन है, तो छह कार्बन हो गया, कार्बन बैलेंस। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है आपका, सिक्स मल्टीप्लाई यहां लगा हुआ है टू है, तो यहां क्या हो जाएगा, 12 यहां है, 12 यहां है, 12 यहां है, तो 24 हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए 24 यहां क्या हो गया, छह गो ऑक्सीजन यहां हो गया, अच्छे यहां हो गया, एक मिनट, और सिक्स मॉलिक्यूल O2 अब बैलेंस ना होगा, तो क्या हो गया आपको, सो देखिए यहां कितना हो गया, छह ऑक्सीजन यहां और छह ऑक्सीजन यहां, 12 हो गया, देखिए छह ऑक्सीजन यहां, छह ऑक्सीजन यहां, 12 हो गया, अब 12 ऑक्सीजन यहां, तो 24 को ऑक्सीजन हो गया है ना, तो 24 को ऑक्सीजन हो गया, यहां पर क्या हो गया, 12 यहाँ है ऑक्सीजन और 12 यहाँ है, क्लियर हो रहा है, वैसे नहीं क्लियर हो रहा कोई बात नहीं, फोटोसिंथेसिस में और डिटेल पढ़ाएंगे। इसके बाद आप कार्बन देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर 24 हाइड्रोजन है ना, क्योंकि 12 है, 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी देखिए 12 हो गया, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 12 हो गया और यहाँ 12 हो गया, 24 हो गया। तो फोटोसिंथेसिस में आपने देखा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन निकलता है, तो मेन चीज हमारा ऑक्सीजन यहाँ निकलते हुए हमको दिखना है, और एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, क्या है दोस्त, यही ग्लूकोज है, ग्लूकोज है जो बहुत सारे एक साथ मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, जो कि अभी जस्ट हम लोग स्टार्च वगैरह बहुत चीज देखे थे, ये पॉलीमर बन जाता है, आगे देखेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटी हम लोग जो है सो प्लांट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर था उसको क्लियर किया है। आप इंजॉय किए हुईगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉपरेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।